الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. आज इंशाल्लाह हम लोग अपने फाइनल क्विज की तैयारी करने जा रहे हैं. इंशाल्लाह आज हम कुरानिक पाठ को कवर करेंगे. आधा हिस्सा मैं करवाऊंगी और आधा हिस्सा मेरी कोलीग जो है सिस्टर नौरीन इंशाल्लाह करवाएंगी. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कुरान पढ़ने के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस क्या क्या होते हैं. हमें ये पता है कि एक तो अल्फाज माना जो है वो और दूसरा ग्रामर होता है. ठीक है, तो अल्फाज के मानी किस तरह से हम लोग याद रखते हैं, तो हैंड रेस कर लीजिए और साथ साथ बताते जाए. जी कौन बता रहे है? ठीक है, आप लोग ऐसा करें, आप लोग साथ साथ पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों की याद हो जाए. ठीक है, अल्फाज के मानी के हम किस तरह से याद करते हैं, इशारात और फिक्रों की मदद से, और ग्रामर कैसे हम करते हैं, सीपीआई और अरबी बोलचाल से. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इशारों को देख लेते हैं. इशारात क्या होते हैं, कौन मुझे बताएगा? हैंड रेस कर लीजिए. जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम. अच्छा जी, आप फिर बताइए. जी नाहिदा से आप बताएं, इशारात क्या होते हैं, किस तरह हमें उससे क्या फायदा होता है? जी मिस्टी अस्सलाम वालेकुम. इशारात की मदद से, जी इशारात जैसे हमने सीखे हैं कि एक सफे के चार इशारात सीखे, इससे मजमून का पता चलता है. ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जंजीर की तरह. ठीक है, और मुझे ये कौन बताएगा, फिक्रे क्या होते हैं, फिक्रे से कैसे पता चलता है? मिसेस खालिद आप बताए. जी फिक्रे जो होते हैं हम लोगों को, एक छोटी जंजीर आप कह लें, फिक्रे मिलके तो एक बड़े सारी जंजीर बनती है, उसको इशारा कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इंशाल्लाह जैसे है, इससे हमें पता चल जाएगा इनका क्या मतलब होता है. ठीक है, अगर इनका कोई वैसे ही मतलब पूछे तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे ये फ्रेज इंशाल्लाह, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है. फिर इसी तरह यहाँ पे अल्लाह, ये तीन फिक्रे की एग्जांपल्स दी है. ठीक है, इंशाल्लाह का मतलब कर लिया, अल्लाह उस्समद यानी अल्लाह बेनियाज है, युकीम अस्सलाता. ठीक है, इसी तरह आगे आ जाते हैं. इसका भी यही फायदा है कि हम लोग छोटी सी चीज आप कह ली होती है और फिर एक बड़ा इशारा मिल जाता है उससे. तो हम लोग सफा नंबर वन पे चलते हैं. हमने कौन कौन से इशारे किए थे, किसको याद है बताएं? जी नाहिदा से पाप बताएं, कहाँ पे? इस वाले हाथ पे. ठीक है, इस तरह अल्लाह की तारीफ बताएं. अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, चार सिफात. वेरी गुड. ठीक है, पहला पेज हमारा जैसे आपने देखा है, पहले दो इशारे तो सूरह फातिहा में से लिए गए, यानी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की हिदायत की दुआ. ठीक है, दूसरे दो इशारे जो है वो सूरह बकरा की फर्स्ट फाइव आयात से निकाले गए हैं. तो आइए उसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह. इसको जल्दी जल्दी से एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग. अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफें किसके लिए, अल्लाह के लिए. लिल्लाह के कितने टुकड़े हैं साइमा आप बताइए? ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक सा है, ये तो दो टुकड़े हैं, ली और अल्लाह, लिल्लाह. बिल्कुल, रब्बिल आलमीन है जो तमाम जहानों का रब है, और रहमान रहीम, इसका क्या फर्क होता है रहमान और रहीम का, ये भी बता दे कोई जल्दी से. रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, रहमान जोश रहम करने वाला, रहीम मुसलसल रहम करने वाला. एक बंदा एक वक्त में बोले वरना समझ नहीं आती. ठीक है, रहमान में शिद्दत होती है, रहीम में तसलसल होती है. ठीक है, मालिक यौमिद्दीन यानी मालिक है दिन के बदले का. फिर उसके बाद इया का कोई टुकड़ा बनता है या नहीं, कौन बताएगा? साइमा आप बताएं. इया और का, इया का एक ही है, इसके टुकड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि इया अलग से नहीं आता, इसलिए कोई नहीं बनाएंगे. ठीक है, एक ही, आपको अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो एक ही वर्ड है इया का. नाबुदू सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, फिर या का नस्ताइन और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं. ठीक है, इहदीना, इहदीना के कोई टुकड़े बन रहे हैं,
जी कोई बता दे साइमा आप दो टुकड़े दो वेरी गुड और नाम क्या बात फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते की और फिर कौन सा रास्ता है रास्ता उन लोगों का सिरातल लजीना अनअमता अनअमता कौन से टेबल से आया है किसी को पता है ना वो गुमराह हुए ठीक है इसकी आदात हम लोगों ने पढ़ी थी आप लोगों ने एक काम करना है ये 12 आदात जो हैं हर अपने आयत के साथ मिला के देख लेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सिक्स वाली को देख लेते हैं दूसरों पर रहम कीजिए इसकी कौन सी आयत बन रही है ये किससे हमें आदत मिली है अर्रहमान अर्रहीम एक्सीलेंट आप लोग इस तरह से याद करेंगे आदत मिलाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा इंशाल्लाह कभी भूलेगा नहीं अब हम अपने पहले सफे पे आ जाते हैं यानी मतलब पहले सफे पे तो है हिदायत की दुआ भी यानी कि हम लोगों ने पहले दो इशारे देख लिए हैं ठीक है अब दूसरे दो इशारे कौन से हैं वो देख लेते हैं अब कुरान क्या है कुरान में यहाँ से देख लेते हैं जालिकल किताबुल्ला रोइबसी यानी अलिफ लाम मीम ठीक है जालिका ये किताब है रोइबा नहीं कोई शक फी ही इसमें फी ही के कोई टुकड़े बन रहे हैं जी दो टुकड़े दो फी और ही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हुदल्लिल मुत्तकीन और ये किसके लिए हिदायत है परहेजगारों के लिए लिल मुत्तकीन के कोई टुकड़े बन रहे हैं और क्या है बिल्कुल ठीक है और मुत्तकीन क्या है जमा या वाहिद है जमा जमा इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है ठीक है तो ये जो हमारा इशारा है उस ये दो वर्ड आप याद भी रख ले दलिल मुत्तकीन आपको याद रहेगा इशारा इसमें से फिर उसके बाद मुत्तकियों की हाँ जी मुत्तकियों की सिफात है ठीक है अल्लज़ीना युमिनूना वो लोग जो लोग ईमान लाते हैं युमिनूना ईमान लाते हैं बिल गैबी गैब पर बिल किसके कितने टुकड़े हैं दो टुकड़े हैं ठीक है वयुकीमुना सलात और कायम करते हैं ठीक है सलात यानी नमाज व मिम्मा मिम्मा के कितने टुकड़े हैं व मिम्मा के कौन बताएगा दो तीन व मिन और मा दो है तीन तीन टुकड़े हैं इसके रज़क़नाहुम के दो टुकड़े युन्फिकून यानी हमने उनको रिस्क दिया और वो खर्च करते हैं फिर उसके बाद आगे भी देख लेते हैं फिर इनकी सिफात एक दफा इकट्ठे देखते हैं वल्लज़ीना युमिनूना और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो ठीक है अनज़िला नाजिल किया गया आपकी तरफ इलैका का कितने टुकड़े हैं इलैका के दो हैं बिल्कुल ठीक हो गया फमा और जो अनज़िला नाजिल किया गया मिन कबली का आपसे पहले व बिल आखिरत ये कितने टुकड़े बनने हैं वा बी और अल आखिरा अल आखिरा बिल्कुल ठीक है और ये क्या है मुज़क्कर है मोनस है मोनस है ये जी गोलता आ गया बिल्कुल ठीक है हम यकीन वो सब यकीन रखते हैं अब मुत्तकियों की पांच सिफात कौन कौन सी थी इसमें से खाली आप एक दफा ये रिवाइज करें वो गैर मान लाते हैं ठीक है इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है नमाज कायम करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं आसमानी किताबों पर ईमान है उनका और आखिरत पे ईमान है ठीक है ये शॉर्ट सा इसका हाँ जी फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इशारा आ जाता है नेक्स्ट कौन सा है हमारा सिफात ठीक है ये ऑलरेडी उसी का है ठीक है वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम और हिदायत पे हैं मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से ठीक है हाँ जी वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और कौन है फला पाने वाले हाँ अब अल मुफ्लिहून से हमें क्या पता चल रहा है एक तो ये क्या है इसम है दूसरा जमा हाँ और तीसरा ये मुज़क्कर है ठीक है ये चीजें हो गई अब ये शॉर्ट शॉर्ट सा देख लेते हैं हम लोग इसको एक मिनट देख लेते हैं हाँ जी यहाँ पे इसके अस्मा है थोड़े से वो देख लेते हैं इस्मुन इसकी क्या जमा अस्मा उन आलिम आलिमूना आलिमीना यौम की अय्याम सलावात की सलात की सलावात मुफ्लिहुन की क्या है मुफ्लिहूना और मुफ्लिहीना अब ये टेबल हाँ जी टेबल एक एक करके हैंड रेज करते जाए और मुझे बताते जाए जी पहला टेबल है हामिदा कौन पढ़ेगा हामिदा याहमदू
जी हाँ जी आप ऐसा करें साइम और आप दोनों तो बहुत बता दिया, ऐसा करें गुप्ता आप बता दीजिए। जी मैम हमीदा यहमदु इहमद हामिद महमूद हमद। ठीक है उसने तारीफ की। अब नेक्स्ट बिल्कुल मालाका का कोई बता दे, मिसेस फालिद आप बताएं मालाका। जी मालाका यमलिकु इमलिक मालिकुन ममलूकुन मिल्कुन। ठीक है वो मालिक हुआ। ठीक है हाँ और ये दाराबा के पैटर्न का, ये आबादा का तो बहुत दफा आप लोगों ने किया हुआ है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं गादीबा, ये कौन करवाएगा? एक पतारा सिस्टर आप करवा दें। गादीबा यक्दुबु इक्दिब गाजिब मखदूब गज़ब। ठीक है वो गुस्सा हुआ। ठीक है दौद पे जबर है। ठीक है इक्दब। ठीक है इक्दब के पैटर्न में। हाँ जी फिर रोजा का कोई एक बंदा करवा दे। रोजा का फातिमा आप करवा दें। रोजा का। ठीक है इसके अंदर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आप लोगों को समझे ऑड वन आउट निकालने के लिए आ जाते हैं रोजा का और रिज़्कुन ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनका जरा थोड़ा ख्याल रखिएगा। टाइम लेके आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं होती, बहुत टाइम होता है। ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट का हमारा था काफिरीन को हिदायत। जी मिस अभी आपने सॉरी क्या बोला था, इस चीज का ख्याल रखिएगा पेपर में आप लोगों ने टाइम लगा के आराम से पेपर करने है। ये देखें अगर आपको कोई कहता है रोजा का भी गिवन है रिस्कुन भी गिवन है, आपने सिलेक्ट करना है, तो ये ना हो कि आप रोजा का उसका मस्तर सिलेक्ट कर दें। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मस्तर जो है वो किस तरह होगा। ठीक है फिर उसके बाद काफिरीन को हिदायत नहीं, ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ से ना। जी एक मिनट इन्नल्लज़ीना कफरु सवाउन अलैहिम इन्ना बेशक लज़ीना जिन्होंने कफरु कुफर किया सवाउन अलैहिम यानी बराबर है उनपे। सवाउन का क्या मतलब है बराबर है उनपे। अनजरता हम इसके कितने टुकड़े हैं कौन बताएगा। डराए उन्हें। ठीक है ला युग मिनून वो ईमान नहीं लाएंगे यानी कि उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खतम अला कुलूबिहिम खतमा मोहर लगा दी अल्लाह ने अला ऊपर कुलूबिहिम इसके दो टुकड़े कुलूबी और हिम हाँ बिल्कुल उनके दिलों पे वाला और ऊपर समईहिम उनके कानों पर वाला और ऊपर अबसारीहिम उनकी आंखों पर गिशावा गिशावा का क्या मतलब है पर्दा। और हाँ जी और ये क्या है मोनस है। ठीक है वाला हम के कितने टुकड़े होंगे उनके लिए क्या है बड़ा अजाब है। तो इससे हमें हाँ जी इससे हमें इसकी शरह जो है वो क्या है काफिरीन को हिदायत नहीं है। दुनिया में उनकी क्या सजा है कि उनकी कानों आंखों पे पर्दे लगा दिए गए डाल दिए गए हैं। ठीक है और आखिरत में क्या सजा है अजाबुन अजीम ये याद रखना है। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या दर्दनाक अजाब है या बड़ा अजाब है या इस तरह करके याद है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अजाबुन अजीम है बड़ा अजाब है। ठीक है अब नेक्स्ट कर लेते हैं हाँ जी यहाँ पे कल्ब की जमा कुलूब बसौरा की जगह क्या बसरुन की जगह क्या अबसार। वेरी गुड अब खातमा का टेबल यहाँ नया है वो कर लेते हैं कोई करवा दे कोई हैंडल्स करवा दे। ठीक है सही है बिल्कुल ठीक हो गया आगे देख लेते हैं हम और इसका मतलब क्या था उसने खत्म किया यानी मोहर लगाई। सफा दो का इशारा दो देख लेते हैं कि मुनाफिकीन को हिदायत नहीं इसको आगे से देख लेते हैं इंशाल्लाह। वामिनन नासी और लोगों में से वामिनन नासी और लोगों में से मैं यकूलू जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए आमन्ना का कोई टुकड़ा बनेगा हम ईमान लाए टुकड़े हैं ठीक है आमन्ना जी बिल्लाही
अल्लाह पर, पर भी दो टुकड़े हैं जी और अल्लाह जी बिल यौमी और अल यौम हाँ जी आमन्ना एक वर्ड है या इसके टुकड़े होंगे आमन्ना आमन इसमें आगे देख लेते हैं अभी अभी आप ठीक है अच्छा वबिल यौमी और आखिरत के दिन पे ठीक है आखिरा आखिरी फिर वमा हुम और नहीं है यहाँ पे माँ का मतलब आ रहा है नहीं और नहीं है हुम वो बिमुमिनीन ईमान वाले ठीक है आगे देखते हैं युकादिउन अल्लाह और वो धोखा देते हैं अल्लाह को और इन लोगों को जो ईमान लाए ठीक है एक सेकंड इसका आगे हाँ ये और नहीं वो धोखा देते इल्ला मगर अनफुसाहुम अपने आप को यानी कि वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे वो अपने आप को धोखा देते हैं वमा और नहीं वो शऊर रखते यानी कि वो नहीं जानते वो समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं फिर क्या है इसका फी कुलूबिहिम इनके दिलों में मरद बीमारी है फजादाहुमुल्लाह का क्या मतलब है पस बढ़ा दिया इनको अल्लाह ने मरद बीमारी में वाला हूँ और उनके लिए अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है बीमा क्योंकि कानू यक्जिबून क्या है इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरह है वो माजी इस्तमरारी ठीक है तो इसके अंदर से हमें क्या पता चलता है इस वाले इशारे में से कि हम जो मुनाफिक हैं उनको उनके दिलों में मर्ज होता है दुनिया की सजा उनकी क्या है कि उनके मर्ज में इजाफा कर दिया जाता है और आखिरत में क्या है दर्दनाक अजाब है ठीक है यहाँ पे देखें अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब ठीक है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आए होते हैं क्विज में तो आप लोगों ने इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पे हम जमा देख लेते हैं वाहि जमा यौम की क्या है अय्याम नफ्स की अनफुस मरदुन की अमरादुन ठीक है यहाँ पे क़दा जो है वो नया एक टेबल है वो कौन करेगा कोई हैंड रेज कर ले क़दा यख़दउ इख़दा ख़ादिउन मख़दूउन ख़िदाउन ठीक है मिसेस राबिया से आप भी बता दें क़दा जी सिस्टर आपका हैंड रेज था खादा यखदा इखदा खादे मखदू खिदा ठीक है यानी कि उसने धोखा दिया फिर उसके बाद एक है शारा ये कौन करवाएगा असमत सईद आप करवा दें शारा यशुरु उशुर शायरुन मशूरुन और शूरुन नहीं है शुरून ठीक है और कज़बा का टेबल कौन कराएगा वो भी कोई करा दे निसरीन अख्तर आप करा दें जी जी आप करा दें कज़बा यक्ज़िबु इक्ज़िब काज़िबुन मक्ज़ूबुन किज़बुन ठीक है देखिए किज़बुन है कज़िबुन है कज़िबुन हाँ जी उसने झूठ बोला बिल्कुल ठीक हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारा कौन सा इशारा आ गया फसादी और बेवकूफ ठीक है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा वाइज़ा क़ीला लहुम एक सेकंड हाँ जी और जब कहा जाता है लहुम उनसे ला तुफ़सिदू फसाद ना फैलाओ फिल अर्ज़ ज़मीन में क़ालू तो वो कहते हैं इन्नमा हम तो बस यानी इन्नमा के साथ नाहनु आ रहे तो हम तो बस मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं अला जान लो बेशक वो हुमुल मुफ्सिदून वही हैं कौन है फसाद मचाने वाले यानी आप इसमें से ये याद रख सकते हैं इस तरह एक तो फसादी ये मुफ्सिदून यानी फसाद मचाने वाले फसादी और बेवकूफ का है ना तो एक लफ्ज तो आप ये याद कर लें ला या शुरून और वो नहीं समझते जी यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं वाइजा और जब ही लाला कहा जाता है उनसे आमिनू ईमान लाओ कमा कोई टुकड़े तो नहीं है नहीं जैसे
ठीक है। आमन नासु लोग ईमान लाए, कौलू तो वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, यानी अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, इसके कितने टिकरे हैं अनुमिनु के, बिल्कुल कमा जैसा कि आमना ईमान लाए सुफहा, सुफहा कौन होते हैं बेवकूफ, तो एक आप ये वर्ड याद कर लें आपको ये इशारा याद हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये सूरत है आपको बता दो मुफ्सिदून भी आ रहा है और सुफहा भी आया तो फसादी और बेवकूफ का ये इशारा है। अला, अला का मतलब जान लो, इन्नहुम बेशक हुम सुफहा वही है बेवकूफ, वलाकिन और लेकिन ला यालमून वो नहीं जानते, ठीक है। असल में बेवकूफ कौन है, वो खुद है, ठीक है। यानी इसका हमें जो शॉर्ट सा इसका पता चलता है कि मुनाफिक जो है वो फसाद फैलाते हैं और खुद को इस्लाह करने का दावा करते हैं, और दूसरी चीज जो है उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है, ठीक है, इसलिए वो बेवकूफ है। जी इसकी हम लोग वो देख लेते हैं, इस्मा देख लेते हैं, और एक दफा ना इसका चलेंगे एंड में करते हैं। मुस्लिहुन मुस्लिहुना मुस्लिदीना, मुफ्सिदुन की क्या जमा है मुफ्सिदुना मुफ्सिदीना, सफीहा सफीहा की क्या जमा है सुफहा। आप लोग ये, हाँ जी, इसको जो है सफीहा एक जरा डिफरेंट सा आ रहा है, इसको जरा अच्छी तरह याद कर लें। कभी ये भी हो सकता है कि आप कुछ जमा दे दी जाए, आपने वाहिद से लेक्ट करना हो तो इसको जरा अच्छी तरह दोनों तरह अपने आप को क्विज करें खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे शायरा का देख लिया, आलिमा का बहुत दफा पढ़ा हुआ है, कौला का चले एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, कोई करवा दे, कोई ब्रदर करवा दे, मैं कौला करवा देती हूँ। अच्छा करा दे, कौला यकूलू कुल कायलुन मकूलुन कौलुन, उसने कहा, ठीक है सही हो गया। तो ये वाले इशारे भी हमने कौन कौन से पढ़ने हैं, काफिरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, और अब हम लास्ट इसका इशारा कौन सा करें, दो रुखे, रुखे, इस का। हाँ जी तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ये आगे हम वाइज़ा लकुल्लज़ीना, लकू किसको कहते हैं मिलाने को, ठीक है, जब मिलते हैं लज़ीना उन लोगों से, आमनु जब जो ईमान लाए, कौलू तो क्या कहते हैं आमन्ना हम ईमान ला चुके हैं, वाइज़ा और जब, खलऊ का टेबल से कहाँ से आया हुआ है, खलऊ किससे निकला हुआ है, कौन बताएगा कौन सा टेबल, खला, खला का टेबल जो किससे ऐसा है, हाँ जी आगे इसको पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ये कमजोर फेल है, ठीक है। और जब तन्हा होते हैं इला साथ शयातीनी हम अपने शैतानों के, यानी यहाँ पे शैतानों से क्या मुराद है, यानी उनके सरदार वगैरह जो हैं उनके साथ, यहूदी जो लोग थे जो भी उनके सरदार थे, ठीक है, जो भी मुशरिक वगैरह थे, कालू वो कहते हैं इन्ना माकुम बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं, माकुम के कितने टुकड़े हैं, क्रेमा और कुम, हम तो बस मुस्तहज़ी उन मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह यस्तहज़ी जी, मेरी आवाज आ रही है, अल्लाह मजाक कर रहे हैं उनके साथ, वयमुद्दुहुम और ढील देता है किस में, उनकी सरकशी में, तुग्यानिहिम, ठीक है, यानी सरकशी में उनको ढील देता है, यामाहून वो भटकते फिर रहे हैं, यामाहून किससे निकला हुआ है, कौन बताएगा इसका कौन सा फेल है, जी आवाज आ रही है मेरी, हेलो, हाँ जी ओके जी, हाँ ठीक है सॉरी थैंक यू। अच्छा सिस्टर साइमा हबीब आप बताएं किससे निकला हुआ है, यामा हूँ इसका कौन सा फेल पढ़ा था हमने, अमीहा, अमीहा, हाँ वेरी गुड, उसका मतलब क्या होता है, मंदा हुआ यानी भटक रहा है एक तरह से, ठीक हाँ जी। तो उलाइक लजीना और यही वो लोग हैं, लजीना जिन्होंने खरीद लिया है, दलाला किसको कहते हैं, गुमराही को, बिल हुदा हिदायत के बदले, ठीक है, यानी जब यहाँ पे अश्तरऊ का मीनिंग आ रहा है और आगे बी भी आ रहा है तो इसका मतलब है किसी चीज के बदले में उन्होंने कुछ खरीदा है, ठीक है। फमा पस ना, यहाँ पे भी माँ का मतलब ना, फमा पस ना राबी हत तिजारा, तो हम बस उनको फायदा ना देगी
उनकी तजारत, ठीक है, यानी कि उनकी तजारत से कोई फायदा उनको नहीं देना। वमा कानु मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जल्दी से देखते हैं, यहाँ से इस्मा देख लेते हैं, शैतान किसकी जमा है, उसकी जमा क्या है, शयातीन, और मुस्तहज़ी उनकी क्या जमा है, मुस्तहज़ीऊना मुस्तहज़ीना मुहतदीन, ये इसकी जमा बताएं, कौन बताएगा, मुहतदूना और मुहतदीना, ठीक है। यहाँ पे आमिहा का टेबल कोई पढ़ दे जी सिस्टर। आमिहा यामहु इहमा आमिह डैश अमा वो अंधा हुआ या वो भटका, ठीक है। खला का टेबल भी कोई पढ़ दे, चलें ये दा के पैटर्न पे है, ठीक है, पढ़े। खला खला यखलू उखलू खालिन डैश खलून वो लहदा हुआ, ठीक है, ये खलबत इख्तियार जैसे वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये वाले इशारे भी पढ़ लिए हैं, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दोनों के। अब नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह जी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, उसमें कौन कौन से इशारे हैं वो देख लेते हैं। आग की मिसाल सबसे पहले है, फिर कौन सी आती है, बारिश की मिसाल, फिर क्या आता है, दावत और कुरान का चैलेंज, ठीक है। आग की मिसाल में क्या है ये देख लेते हैं, मसलुहुम उनकी मिसाल, कमासली उस शख्स की तरह, कमासले लजी उस शख्स की तरह, इस्तौकदनारन यानी उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, ठीक है, इस्तौकदा यानी जलाई, नारन आग, फलम्मा, फलम्मा के कितने टुकड़े होंगे, ठीक हो गया। फिर जब उसने अदाअत यानी रोशन कर दिया, मा हौलहू जो उसके इर्द गिर्द था, हौलहू के कितने टुकड़े हैं, दो टुकड़े हैं, ठीक है। ज़हबल्लाहू तो छीन ली अल्लाह ने, ज़हबा यानी ले ली, छीन ली अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनकी रोशनी, ठीक है, बिनूरिहिम के कितने टुकड़े हैं, तीन है, बिल्कुल, हाँ जी, तरकम और छोड़ दिया उन्हें, इसके भी तीन टुकड़े, वतरका और हम, ठीक है। फी में जुलुमातिन लायुबसिरून अंधेरों में वो नहीं देखते, ठीक है, और यानी के उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब इसके बाद आगे अल्लाह भी पढ़ लेते हैं, सुमुन बहरे हैं, बुकमुन उम्मियुन गूंगे हैं, अंधे हैं, यानी इसको आप थोड़ा थोड़ा रिलेशन बना के आप लोग याद कर लें। उम्मीद तो ठीक है, अंधे आपने आमी हाथ से पढ़ लिया उससे याद कर लें। फाहुम पस वोला यरजिऊन नहीं लौटेंगे, और ऐसे लोग कौन से हैं जो वापस नहीं हदायत पर नहीं आ सकते, ठीक है। इसके अगर हम देखें तो वो क्या हुई, मुनाफिकीन जो है इस्लाम की रोशनी को उन्होंने देखा लेकिन कबूल नहीं किया, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी रोशनी या बसीरत छीन ली और उनको बहरा गूंगा और अंधा छोड़ दिया और वो कभी हक की तरफ लौट के नहीं आ सकते, ठीक है। इसकी जल्दी से अस्मा देख लेते हैं, मसला क्या है, अमसाल और नूर की अनवार, जुलुमात उनकी जुलुमात, ठीक है। यहाँ से रजा एक नया है और तारक नया है, कोई जल्दी से ये करवा दे जी। राजून ठीक है, रुजून रजून दो हैं इसका, ठीक है। तारका का कौन करवाएगा, तारका का टेबल कोई करवा दे, कोई नया बंदा करवा दे, तारका यत्रुकु उत्रुक तारिकुन मत्रुकुन तरकु, ठीक है। बारिश जी, बारिश की मिसाल हम लोगों ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ये देख लेते हैं बारिश की मिसाल, ठीक है, एक सेकेंड सिस्टर नौरीन, अब आपने करवानी है यहाँ से, सिस्टर ये वाला इशारा आप करवाइए फिर नेक्स्ट में। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, औ कसयिबिन, औ का क्या मतलब है, या कसयिबिन जैसे बारिश, मिन समाई आसमान से, फी ही जुलुमातुन, ठीक है, फी के दो हो गए जुलुमातुन, इसमें अंधेरे हो, वरादुन वबरकुन और गरज और चमको, बरकुन किसको, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं बरकी कुमकुमे, जैसे वो कहते हैं चमकने वाले, ठीक है,
तो इसे याद कर लें। और बारिश की मिसाल कैसे, कसयबिन हमें पता है कि बारिश के लिए यूज होता है सयबिन, ठीक है। यजअलूना वो डालते हैं, असाबिअहुम, असाबिअहुम किसकी जमाए कौन बताएगा? अपने कानों में, ठीक है। मिन सवाइकी कड़क की वजह से, सवाई किसको कहते हैं? कड़क को। हजर अल मौत, हजरा किसको कहते हैं? डर को, मौत के डर से। वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुम बिल काफिरीन, घेरे हुए है काफिरों को। इसको हम यहाँ से एक दफा बाकी का भी देख लेते हैं। यकादु अलबर्कु यख्तफु, यकादु करीब है अलबर्कु के बिजली, यख्तफु, यख्तफु किससे निकला है ये कौन बताएगा? इसका फेल हमने पढ़ा था, खतफा। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया, खतफा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी आगे भी देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उच्चक ले अब सौराहुम, उनकी आंखों को, कुल्लामा, कुल्लामा के टुकड़े कितने हो गए? कुल्ला मा, यानी जब भी अदा लहुम, चमकती है लहुम उन पर, मशौ फीही, तो मशौ का क्या फेल पड़ा था हम लोगों ने? मशा, मशा यमशी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। मशौ फीही तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में। वाइजा और जब, असलामा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, कामू तो खड़े रह जाते हैं। कामू का टेबल पढ़ा था हमने, कामा बिल्कुल बिल्कुल। वलाउ और अगर शाह चाहता है अल्लाह, ठीक है, ये शाह का टेबल भी पढ़ चुके हैं ना, लज़हबा तो जरूर छीन लेता है, बिसमईहिम उनकी समात को और उनकी बसारत को या बसीरत को, ठीक है, बसारत ही होगा इसमें क्योंकि देखने का है। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शयइन कदीर, हर चीज पर कादिर है बेशक, ठीक है। इसको हम, इसके अगर वो शॉर्ट्स अगर हम करें तो कैसे होगा? अंधेरी बारिश है, बिजली कड़क चमक है, और मुनाफिकीन क्या करते हैं कि मुश्किल चीजों से जान छुड़वाते हैं, आसान चीजों को अपना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है वापस आने का अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी जल्दी से अस्मा पढ़ लेते हैं। समा उनकी जगह क्या होगी? समावाद, समावाद। हाँ जी, जुलुमात उनकी क्या है? जुलुमात, उस्बुउन था ना, सवाबिउन, हाँ जी। उजुन उनकी क्या है? आजानुन। और सवाइका की क्या है? सवाइका। और बसरा की अबसारुन। शेई उनकी अशियाउन, ठीक है। यहाँ पे जो नए फेल आ रहे हैं हाजिरा का कर लेते हैं, कोई करवा दे, कोई नया बंदा करवा दे तो ज्यादा बेहतर है। हाजिरा जी, हाजिरा यहज़रु इहज़र, हाजिर महजूर हज़रू, ठीक है। और खातिफा का भी कोई करवा दे, ये सामिया के बाप पे है, ठीक है। खातिफा, अभी कोई खातिफा भी कह रहा था, ये खातिफा है, ठीक है। खातिफा, खातिफा यक्तफु इक्तफु खातिफुन मक्तूफुन खतफुन, ठीक है। और माता यमूतू का भी कोई करवा दे जी, माता यमूता का भी करवा दे कोई। माता ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मशा यमशी का भी एक बंदा कोई करवा दे फिर। मशा यमशी और फामा का, फामा यकूम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ से आगे जो है इंशाल्लाह हमें सिस्टर नौरीन करवाएंगी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर नौरीन, आप शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हमारा कोर्स तीन है और अगले जो दस इशारे हैं उसकी रिवीजन आप मेरे साथ करेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त मौलवी अकरम। अच्छा जी, हमारा ये इशारा है कुरान की दावत। इशारों के नाम आपने याद भी करने और उसको रिलेट भी करना है कि इसमें से देखिए, अल्लाह जी जिसने जाला बनाया लकुम दो टुकड़े अल अर्द जमीन फिराशन फर्श व समाई आसमान ये वाहिद है जमा इसकी समावात बिनाअन छत व अंजला और नाजिल किया मिनस समाई मिन से समा आसमान माअन पानी फा अखरजा इसमें भी दो टुकड़े होंगे फा और अखरजा बिही दो टुकड़े मिनस समाराती मिन से और समारात इसके जो वाहिद होगा वो होगा समारा जैसे अपने तावली गोलतावली और अलिफ्तावली चमक की ना वो वाली रिस्कन रिस्क लकुम तुम्हारे लिए दो टुकड़े फला दो टुकड़े तज आलू ये वही है जो हमने किया था जाला के टेबल। अपने माइक जरा म्यूट कीजिए जब मैं आपसे कहूंगी तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसे फला तज आलू बस ना ठहराओ लिल्लाही लिल्लाही के दो टुकड़े करेंगे। इसी तरह से निद अंदाज निद वाहिद और अंदाज जमा वन तुम और जबकि तुम सब हो। अब आपने यहाँ ये भी देखना है कि यहाँ वाह का तर्जुमा जबकि किया गया है। आप अगर फिज में इस तरह से आ जाता है और तुम थे या जबकि तुम जानते थे तो आपने इसमें जबकि या हालांकि वाला ऑप्शन चूज करना है। तालमूना उसी तरह से जैसे हमने मुदारे में किया आलिम का टेबल। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमने ये जो इसके मुख्तसर से शरह है कि ये सारे इंतजाम अल्लाह तआला ने किए हैं, कोई इंसान या कोई भी और मखलूक तो ये कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें ये कुरान की दावत दी गई है और इसमें जो अब असमा है उनको भी देख लेते हैं। समा समावात समारा समारात निद और अंदाज जी। अब हैंड रेस कीजिए और मेरे साथ की टेबल दोहरा दीजिए। रोजा का टेबल कीजिएगा जी मिसेस खालिद रोजा का, क्योंकि बाकी टेबल में बहुत दफा किए ना रोजा का कर लीजिए। खालिद आपने कहा रोजा का, उसने रिजल्ट दिया रोजा का। अच्छा राजा का यर्जुकु उर्जुक राजेकुन मर्जुकुन रिज़कुन रिज़कुन। ठीक है, बाकी ये देखिए आबादा खालका और इसी तरह से जाला और आलिमा ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब ये आगे है कुरान का चैलेंज। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें आप लोग हैंड्रेस करके टुकड़े अब आपने बताने। ठीक है, वह इन कुन तुम और अगर तुम हो पी मे रे ब्रेब। अब मिम्मा के टुकड़े कर लीजिए और माँ दो टुकड़े। ठीक है, मिन और माँ मिन प्लस माँ नजलना जो हमने उतारा आला पर अब दीना टुकड़े कीजिए दो टुकड़े दो दी और ना बदले पातू के टुकड़े कीजिए तो ले आओ पातू के टुकड़े दो पा, दो टुकड़े और आतू आतू। ठीक हो गया, बी सूरत इनके दो टुकड़े बी और सूरत। ठीक हो गया, मिन मिसके ही मिसाल उसके जैसी। अब ये ही इसका भी अलग हो जाएगा। ठीक है, वदू और बुला लो शुहदाअकुम इसमें भी दो टुकड़े हो जाएंगे मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, इसमें ये चैलेंज कर दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि वो इस तरह की एक सूरत सूरत क्या एक आयत भी बनाकर ले आए अगर वो सच्चे हैं। इसमें हमने जो असमा देखने हैं अब इबाद सूरतुन सुवरुन शहीदुन शुहदा सादिकुन और अब स्वादिक लिखा है तो स्वादिकून और स्वादिकी दोनों तरह की जमा बन जाएगी। इसमें से हम टेबल चले कर लेते हैं स्वादा का नया ही उसने सच कहा जी कौन करेगा सिस्टर साइमा आप कर लीजिए स्वादका अका यस्दुकु उस्दुक सादिकुन मस्दुकुन सिद्कुन उसने सच कहा। ठीक है, मस्दुकुन और सिद्कुन और सिस्टर आपने भी इशारे कर लीजिए। ठीक है, पाना का टेबल कर लीजिए काना यकूनु कुन कायनुन डैश कौनुन कौनुन। इसके बाद है अता अता यती इति आतिन वियुन और इतियानु। ठीक है,
और इसके बाद जो अगला टेबल है वो भी चले उसको दोहरा लेते हैं, जब दोबारा आएगा तो फिर छोड़ेंगे। अच्छा सिस्टर, औरों को भी आप मौका दीजिए। सिस्टर गुप्ता का हैंड रेज है, अब जो नेक्स्ट टेबल होगा वो उनसे करवाएंगे। अपने माइक स्टैंड की म्यूट रखिएगा। चलिए जब अगला इशारा देख लेते हैं, ईद बशारत, यानी कि इसमें खुशखबरी भी दी गई और ईद भी, दोनों तरह से बात बता दी गई। पहले जो थे अहले जहन्नम उनके बारे में बताया गया। फा इन पस अगर लम, लम हम कर चुके क्यूसी वन से, डिड नॉट तफ आलू तुम ना कर सकोगे, वलन विल नॉट या विल नेवर और हरगिज नहीं, तफ आलू तुम कर सकोगे। पत्ता पत्ता को के टुकड़े कीजिए, दो फा और अत्तक इत्तक, ठीक है इत्तक, अत्तक नहीं कहना, फा इत्तक, फा इत्तक नार अल्लती वकूदुहा। हाँ जी, अब इसके टुकड़े कीजिए वकूदुहा के, हाँ जी, और हा जो है वो जमीर हमने वो जो मुअन्नस वाली की थी वकूद और हा, अन्नासु इंसान, वल हिजारा और पत्थर, दो टुकड़े हो गए। ओ इद्दत, ओ इद्दत ये एक है ठीक है, इसके टुकड़े ऊप अलग नहीं करना। ओ इद्दत लिल काफिरीना, ये भी मुअन्नस है ठीक है, ओ इद्दत लिल काफिरीना जो तैयार की गई, लिल ली और अल काफिरीन, ये भी दो टुकड़े हो जाएंगे और ये जमा है ठीक हो गया जी। अब ये जो वईद की बात होगी, आगे बशारत है, वह बशीरिल लदीना और आप खुशखबरी दे, अल्लाह दीना उन लोगों को, आमानू ये हम जमा का जो करते हैं, आमानू जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात ये भी इस तरह से जमा का आ गया, सालिहात सवाली की जमा, अन्ना के लाहुम दो टुकड़े जन्नाती जन्नाती ठीक है, ये जन्नत और जन्नात के जो जमा इसकी आ गई। तजरी जरा का टेबल कर चुकी है, मिन तहतिहा तहती और हा ठीक है, ये भी वही वाली जमीर हा वाली जो होगी, अल अनहार नहर अनहार, कुल्ला माँ के भी दो टुकड़े करेंगे, रूजी को रिस्क दिए जाएंगे, थोड़ा सा हमने लास्ट लेसन में मजहूल पढ़ा था, तो रूजी को ठीक है क्या जो हमने किया था, रूजी को वो दिए जाएंगे, मिन हा ठीक है, दो टुकड़े मिन समारातिन उसमें से फल यानी के खाने के लिए रिज़्क। कौलू कौला का टेबल हम काफी दफा कर चुके हैं, हाजा ठीक है, इसके इशारे ये भी नहीं भूलने, अल्लाह की ये भूल गया, रूजिकना ठीक है, ये अपनी तरफ का इशारा मजहूल का, जो हम दिए गए मिन से कबल इससे पहले, वूतू और ये भी मजबूल है ठीक है, वो उदू हालांकि, यहाँ भी आप देखिए वा का हालांकि दर्जमा किया गया, इन छोटी छोटी चीजों को लिख भी लिया करें, वो उदू हालांकि भी ही दिया गया, भी ही इसने से मुतशाबिहन उससे मिलता जुलता, वह और लाहू उनके लिए सीहा, ये भी दो टुकड़े हो जाएंगे, अजवाजुन ये अजवाजुन की तरह मुझे वाहिद बताइएगा, अच्छा जी, अब इस तरह मुअन्नस भी बता दी, सोच मुअन्नस बताएं, रोजा ठीक हो गया, ये कंफ्यूजन होती है इसमें जरा, जब आप बनाते हैं ना ऑड वन तो उसमें जरा दिखता चले, इसको मुजक्कर कंफ्यूज किया करें, मुतहरातुन माइक यूज कर लीजिए, पाकीजा बीवियां या फिर जौज जोड़े, वाहुम फीहा, फीहा के फिर दो टुकड़े, खालिदून ये हम जो खालिद का टेबल करते हैं इसमें वो खालिद ठीक है, उसके जो फाइल फाइल उसका जमा यूज की गई है। अब इसका ये जो इसको जल्दी से देख लेते हैं, वाहिद जमा इंसान, नास हजर हिजारा, जन्नत जन्नात, नहर अनहार, समरा समरात, जौज और अजवाज जी। अब सिस्टर इकरा आपने कफरा का टेबल करना है, सिस्टर इकरा, कफरा यकफुरु उकफुर काफिर मकफूरुन कुफुर, ठीक हो गया जी। सिस्टर इफ्फत आरा आप खालदा का कर लीजिए, खालदा यखलुदु उखलुद खालिदुन डैश खुल्द खुलुदु ठीक है, खुल्द भी होता है, दो 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 इसके दोनों हैं हां जी, ठीक हो गया। अब हमारे साथ हमेशा रहा, ठीक हो गया जी। साइमा आप कर लीजिए, जरा का टेबल कर लीजिए, जरा जजरी इजरिन जारिन डैश जरियान, वो जारी हुआ, काला और आयता हम ये दोनों टेबल कर चुके हैं, तो क्या जी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अगला है हमारा मच्छर की मिसाल, आप ये जो इशारे ना इनको अपनी फिंगर टिप्स पे याद भी कीजिए ठीक है,
ये हमारे ईदों में इशारत भी हो गया और कुरान का चैलेंज भी हो गया। इसके बाद फिर ये अगले दो इशारे जो शुरू हुए ना उसको भी आप जरा देखा करें कि ये अब ईदों की इशारत और मच्छर की मिसाल की थी, यहाँ पे आ गया इशारा। इसमें बाउदा से आप याद रख लीजिएगा, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ला नहीं यस्तहयी। अब इसका ये आपने अलग नहीं कर देना, ये एक ही है, ठीक है। ये जैसे हम करते हैं या जो अलू वगैरह करते हैं ना, ये उसी तरह से फेल मुदारे थे। अन के यदरीब वो मिसाल बयान करें, मसलन से हमें पता चल गया कि ये दारबा मारने वाला नहीं है, ये मिसाल बयान करने के लिए बताया गया। माँ जो बाउदा मच्छर की, फा माँ दो टुकड़े, फौका हा के भी दो टुकड़े करेंगे, ठीक है। फा पस अम्मा, इसके इस तरह से दो टुकड़े करने। अब आ को यहाँ से अलहदा नहीं कर देना, फा और अम्मा पस रहे अल्लाह दीना वो लोग आमनू। अब फा या अलामुना के टुकड़े कीजिए जरा, या अलामुना दो टुकड़े, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अन्ना हो कीजिएगा, अन्ना और हो, ठीक हो गया। अल हक रब्बिहिम, के वो हक है मिन रब्बिहिम अपने रब, रब्बिहिम, ठीक है। जैसे हम शुरू वाला हमने टेबल किया था जब हमने जमायर जोड़े थे किसी बन के। वा अम्मा और रही अल्लादीना वो लोग काफर जिन्होंने कुफ्र किया, फयकूलूना तो वो कहते थे माजा। अब इसके भी टुकड़े नहीं करने, ठीक है, ये एक ही वर्ड है माजा, क्या के लिए यूज किया जाता है। अरबाहू किया है इरादा अल्लाह ने बी हाजी, बी हाजा, ठीक है, बी और हाजा जिसके दो टुकड़े कर लेंगे। मसल मिसाल दे, युदिल्लू ये फिर हमने जो किया हुआ ना मजबूरी उसी में आ जाएगा। बी ही उससे कसीरन, कसीर और अक्सर, ठीक है, ये भी हमने इसकी जो वाहिद जमा उसमें देखा था। वह यहदी और हिदायत, हदायत वाला टेबल हो गया। बी ही के भी दो टुकड़े, कसीरन फिर वही बहुत सारों को, बहुत ज्यादा लोगों को। वाह और ना नहीं, जो दिल्लु गुमराह करता भी ही उससे, इल्ला रहे हैं ला इलाहा इल्ला वाला मगर, अल फासिकीन फासिक की जमा, फासिकीन और फासिकन की जमा, ठीक हो गया जी। इसमें अल्लाह ताला के बारे में ये जो मुख्तसर चला देख रहे थे कि मच्छर को बहुत जैसे मामूली सा समझते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी भी मिसाल कुरान पाक में बयान कर दी, यानी कि कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बेफायदा नहीं बनाई, तो कमतर ना समझे। मसलुन अमसालुन रब अरबाब, जब फासिक होगा तो फासिकुन और फासिकीन दोनों जमा दी जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग टेबल करेंगे फाका का, कोई नया नाम है यहाँ पर, मिसेस खालिदी है, चले कर पुराना फासा का यफसिकु, यफसुकु उफसुक फासिकुन डैश फिस्कुन, फिस्कुन, ठीक हो गया जी। हदा का कर लेते हैं, जैसे सिर्फ फातिमा आप कीजिएगा, हदा का टेबल कर लीजिए, हदा पे बहुत सारे टेबल है ना, हदा का कर लीजिए। यहदी इहदी हादिन महदीयुन हिदायतुन, ठीक है, इसमें हुदन और हिदायत दोनों आ गए, ठीक हो गया जी। अब अगला हमारा इशारा है गुमराह कौन, ठीक हो गया जी। अल्लाह दीना वो जो लोग यनफुदूना, किसी की आवाज मुझे बैक वापस सारी म्यूट कर दीजिए। ये हम नाफादा का टेबल भी कर चुके हैं, ठीक है। यनफुदूना अहदुल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन से बादा मिसाकी, मिसाके से जो पक्का वादा, ठीक है, अल्लाह के जो वादा किया था मजबूत करने के बाद। वा और यकताऊना, कता का टेबल भी हम कर चुके हैं, वो काटते हैं। माँ जो आमर अल्लाह, आमरा का टेबल भी हम कर चुके, अल्लाह ने हुक्म दिया बिही अयुसला, ठीक है। अन को ये छत्तीस से मिलाया गया, वैसे अन अलग है और यूसला ये अलग से, ठीक है, ये भी इसी तरह से आ जाएगा मजबूल में। वयुफ्सिदूना और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी जमीन में, उलाइका यही हैं वो लोग, हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले। ये आप टेबल पहचान सकते हैं कौन सा टेबल है, असीरा, उसका उसका ये कौन सा वाला यूज हुआ है, जो अल्लाह का वादा तोड़ते उसके पुख्ता करने के बाद काटते हैं, उसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो चलिए जी, अह और उहूद, मिसाक मवासिक, अर्द अराजी, खासिर खासिरून और खासिरीन। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक यहाँ पर कोई एक अलामत तनवीन की दे दी जाए तो आपने उस हिसाब से उसकी जमा मुंतखब करनी है, लेकिन वो भी आपने देखा है कि कमजोर अफाल में चेंज हो जाता है। नाफादा का टेबल कीजिए मेरे साथ, सिस्टर शिगुप्ता आप कर लीजिए।
نقد ينقد انقد ناقد منقود نقد اس نے توڑا اس نے کاٹا امرا یعمر مر امیر معمور اور اسی طرح سے خسرا کا ٹیبل کر لیجیے اب اس طرح سے وصل یصل سل واصل موصول اور اب اگلا ہم کر لیتے ہیں کفر کیسے کیسا کیسے تکفرون وہ سامنے زیادہ لوگوں کا اشارہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ اور اللہ و یہاں پہ پھر حالانکہ والا ترجمہ آ گیا کنتم تم تھے امواتن بے جان اب اس کے ٹکڑے کے لیجیے فاحیا کم ٹکڑے کیجیے گا تین فا تم نہ یومی تو کم ٹکڑے کیجیے اسی طرح سے یوگی کم کے ٹکڑے کر لیجیے تم لوٹائے جاؤ گے یعنی کہ موت زندگی دوبارہ موت پھر دوبارہ زندہ کیا جانا یہ پورا جو لائف سرکل بتا دیا گیا اللہ کی وہی ہے خالق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض زمین میں جمیعا سب کچھ کے جمع سے یاد کیا کریں جیسے جمع ہر چیز کو جمع کر دیا جائے تم مستوا پھر متوجہ ہوا الا طرف سما سما آسمان فسوا ہنہ کے ٹکڑے کیجیے تین ٹھیک ہے سب آ سات ٹھیک ہے آسمان یہ سماوات ہم نے اس کی سما کی جمع کر لی وا ہوا بکلی شیء علیم اور وہ سب جاننے والا ہے ہر چیز کو یعنی کہ یہاں پر یہ کانسیپٹ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کیا جا سکتا ہے جو موت دے گا زندگی موت پھر دوبارہ سے زندگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے میت اموات ارض اراضی سما سماوات اور شیئن اشیاء یہ سارے ٹیبل ہم کر چکے ہیں اب اگلا ہمارا اشارہ خلیفہ پر سوال و اور از جب قال فرمایا رب کا تیرے رب نے للملائکہ لی اور الملائکہ انی انی کے ٹکڑے کیجیے ذرا جائلون جائل سے یہ جو ہم نے فائل کیا تھا ٹھیک ہے وہ آ گیا فل اردی زمین میں خلیفہ خلیفہ قالو انہوں نے کہا آتجعل اب اس میں آ کو الگ کرنا سوال کیا ٹھیک ہے آتجعل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں کس میں زمین میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں یہ ہا والی زمین کے اشارے بھی ساتھ ہے و یسفک صفا کا یسفک اور دماء خون وا اور نخم اچھا باقی مصبیحوں کے ٹکڑے نہیں کر دینے ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے نسعین وغیرہ نعبد کیا تھا نقدس ٹھیک ہے بھی حمدی کا کے ٹکڑے کر لیجیے جلدی سے اپنی طرف کا جو اشارہ کہ ہم پاس کی بیان کرتے ہیں لگا کے پھر آگے دو ٹکڑے ہو گئے قالا فرمایا انی قالا یہ اللہ رب العزت ٹھیک ہے انی بے شک میں عالم ہوں جاننے والا ہوں یا جانتا ہوں ما جو کچھ مالا تم لوگ نہیں تعلمون جانتے اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ملک ملائکت خلیفہ خلائف دم دیما یہ اپنے سارے واحد دمہ بھی یاد رکھنے ہیں جعل صفقہ اس میں سے صفقہ کا ٹیبل کر لیجئے صفقہ یسفکو اسفک صافکن مسفوکن صفکن اس نے پھیلایا اور علیمہ قولا یہ ہم کر چکے ہیں اب ہے اسما کی تعلیم وعلمہ اور جو ہم اپنی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں نا علی بار بار دیکھتے ہی وہی ہے اور اس نے سکھائے آدم الاسماء آدم کو اسماء نام کلہا اس میں بھی دو ٹکڑے کر لیجئے کلہ اور ہا ٹھیک ہے سب کے سب ثم ارادہم ارادہ اور ہم دو ٹکڑے الا پر الملائکہ فرشتے فقال پس فرمایا اس میں بھی دو ٹکڑے ام بھی اونی ٹھیک ہے ام بھی یہ فعل امر آ جائے گا اور نی وہ جو میرے والا جیسے ہم ربی زبنی علما میں نہیں کرتے ہیں نا یہ وہی والی زبنی ہوتی ہے
बी असमाई, इसके भी दो टुकड़े बी और असमाई, हा उलाई को जो हमने इशारा किया था, इन कुन तुम सादिकिन, अगर तुम हो सच्चे। और ये जो हम बड़ी प्यारी दुआ इल्म की पढ़ते हैं, कालू उन्होंने कहा सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, इसमें अल्लमता ये अलग है और ना अलग, ठीक है सर, दो टुकड़े हो जाएंगे, ताकि अलीम और हकीम, ठीक है, ये अल्लाह ताला के नाम है। कौला फरमाया या आदम ए आदम अंबिह, पहले हमने किया अंबिऊनी, अब है अंबिह, बता दे उन्हें, अंबि और हम अलग अलग कर दीजिए, बी अस्माइहिम तीन टुकड़े, फलम्मा के टुकड़े कीजिए, और लम्मा, ठीक है दो टुकड़े बस। अम्बाहुम, देखिए अम्बाहुम ये एक और उसी तरह का तीन, इसमें एक ही टेबल से अलग अलग आ गए सीधे, बी अस्माइहिम इसके भी तीन टुकड़े हो गए, कौला अलम आ और लम, जो हमने लम पढ़ा था, लम और लन वाला, ठीक है, क्या नहीं आकुल, मैंने कहा लकुम ये दो टुकड़े, इन्नी बेशक मैं अलम हूँ जानने वाला, गैब समावाती वाला, गैबा का भी टेबल कर चुके हैं, जमीन आसमान वाला, मा तुबदूना तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमूना और जो कुछ तुम छुपाते हो, ठीक है, कातमा का टेबल भी हम कर चुके हैं। इस्म अस्मा मलक मलक कई बार हुजू, ठीक है, क्या जी, अब इसमें हम औरादा का टेबल करते हैं, सिस्टर फातिमा आप कीजिएगा औरादा, उसने पेश किया उसने छुपा, अगला हमारा इशारा है सजदा और इब्लीस, वाइज और जब कुलना हमने कहा लिल मलाइका की दो टुकड़े उस जुदो सजदा करो, ली आदमा ली और आदम, ठीक हो गया, फसादा दू इसमें भी दो टुकड़े हो गए, इल्ला इब्लीस आबा, आबा या अबा का भी टेबल हम कर चुके हैं, वास्तकबरा अगर हम इसको जोड़ के वास्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, चलिए जी इसमें कोई भी है वकुलना और हमने कहा या आदम ए आदम उस्कुन, इसका साकना का टेबल भी हम कर चुके हैं, इसमें ये है उस्कुन अंता व गौजा कर जन्नत व कुला, अब कुला मुझे बताइए ये कौन सा सीगा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और अमर का सीगा अमर व कुला, ठीक है, दोनों 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 का दो के लिए, ठीक है, व कुला मिन हा रगदन बाफरागत है, इसको अब आगे फिर आ गया शितुमा, ये भी फिर आ गया दो का, ठीक है, शितुमा वला और ना तकराबा, ठीक है, ये भी फिर दो का आ गया, और इस तरह से हाद ही ये मोहनस का शरा मोहनस फाता कूना, फिर से ये दो वाला आ गया, ठीक है, फता कूना मिनल ज़ालिमीन, फालक कीजिए तकूना, जैसे हम नून के साथ तकूनूना ऐसे करते थे ना, अब ये इसमें जब दो का आ जाएगा तो फिर हमने उसके साथ अलिफ लगा दिया, मिनल ज़ालिमीन ज़ालिमों में से, में देख लीजिए ज़ौज अज़वाज जन्नत जन्नात शजर और अशजार, अब हम साजदा का टेबल करते हैं, साजदा का टेबल सिस्टर साइमा मरियम जी, साजदा यस्जुदु उस्जुद साजिदुन मस्जूदुन सुजूद, उसने सजदा किया, ये मिसेस खालिद सकना अतल अतल याकुलु सकना ठीक है, साकना यस्कुनु उस्कुन साकेनुन डैश सकनुन, ठीक है, वो रहा। अब कौरीबा का टेबल करेंगे साइमा हबीब, कौरीबा कौरीबा यक़रबु इक़रब अरीब मक़रूब क़ुर्ब, अच्छा सिस्टर आपने
एक रब कहना है, ठीक है, एक रब, ये जो जेर जबर पेश इसका ख्याल रखा करें, ये इस्लामिया के जैसे हम कहते हैं ना इस्मा, एक रब, ठीक हो गया जी। अबा का टेबल भी कर लीजिए, अबा या का, सॉरी मैं नहीं करना, जो कर ले कर ले कर ले, अबा या का इबा आदिन माइन इबा माबीजुन, ठीक है। इसको मैंने एक पहले भी आपसे कहा था तनवीन लगा लिया करें, फिर इसको बोलना आसान हो जाता है। अकला कभी कर लीजिए, अकला याकुलु कुल आकिलुन माकुल माकुलुन अकलुन, उसने खाया, ठीक हो गया, आपने इसको ठीक कर लिया। माकुलुन शा या शाउ शा शाइन मशीजुन और मशियातुन। चलिए जी, हमारा अब इशारा है फिसलाना और तौबा। फा पस अज़ल्लहुमा, फिर फिसला दिया हुमा, हुमा भी फिर वो अपने क्या था ना हुमा, बेना हुमा, इसी तरह से दो के लिए हुम हुमा और उसके बाद सॉरी हुमा हुमा और हुम। अशैतान शैतान अनहा दो टुकड़े, फा अखरजा हुमा, इसके टुकड़े कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए। बीमा के टुकड़े हम कर चुके दो तीन मरतबा, ये मिन और माकाना वही उसी तरह से दो वाला सीगा फी ही उसमें वा और कुल ना, ठीक है, अगर इसको मिला के पढ़ेंगे कुल ला भी दो। बादुकुम दो टुकड़े ली बादिन, इसमें भी ली और बाद अलग कर लीजिए, उदुकुम दुश्मन है वा लकुम, ठीक है, वा लकुम फिल अर्दी होगा तो वा ला और कुम फिल अर्दी, इस तरह से करने हैं। मुस्तकर ठिकाना व मतउन इलाहीन, यानी कि ठिकाना और सामान्य जिंदगी के एक वक्त तक उनके साथ जो हमारे जिंदगी और मौत का फलसफा बदलता है। फतलक्का फिर सीख लिए आदम, आदम ने मीन से रब्बी ही अपने रब से कलिमात, जैसे कलमा से कलिमात जमा बनाते हैं। फतवाबा बस तौबा की, अलैही उसने अल्लाह की तरफ जैसे रुजू किया तौबा कर ली। इन्नाहु बेशक वो ये जब तौबा की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ का इशारा, हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला और माफ फरमाने वाला है। यानी कि शैतान ने दोनों को फिसलाया निकलवाया जिससे का वो थे, और उसके बाद फिर उन्होंने दोनों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने कलमात भी सिखा दिए। अब हम इसमें से देख लेते हैं शैतान शयातीन अदुबुन आदाउन मता अम्तियातुन, ठीक है, ये आपने ये वाले खास लिखने कलीमा और कलीमात। अब हाबता का टेबल कर लीजिए, फातिमा आप कर लें। हाबता यहबितु उहबित हाबितुन महबूतुन उबूतुन, वो नीचे उतरा, ठीक है। तौबा का भी कर लीजिए, तौबा ताबा यतूबुन ताइबुन मतूबुन तौबा। और आपने ये भी ख्याल रखना मतूब अलैहदा नहीं करना, ठीक है, मतूब के साथ किले हलाज नहीं करना। चलिए जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने गौर करने अमल करने फैलाने याद करने की तौफीक अता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My very, very dear Quran course fellows, ahbab, muazzizo muhtaram, Quran seekhne aur sikhane wale sab logon ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aur assalamu alaikum. Intahai mubarak baat ke lag fazal se course mukammal ho chuka aur ab hum stage par hain. Aaj aapne mukammal revision bhi kar li. Pehle isse ki, kal inshaallah dusre isse ki karenge. आज आपसे यहाँ पर क्विज की ओरिएंटेशन पर बात होगी और आपके सवालात लिए जाएंगे. कल इंशाल्लाह आपसे आखिरी बात होगी, सर रिवीजन पहले करवाई जाएगी और फिर उसके बाद आखिर में आपसे हम इंशाल्लाह आखिरी कलमात जो हैं कोर्स के वाले से आपकी तैयारी और कुछ चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह. तो आइए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के हवाले से डेट्स आपको पहले पता भी हैं, दोबारा से बताई जा रही हैं. होमवर्क लिंक्स टू बी क्लोज्ड, हमने आपसे कहा था अगस्त 4 आज रात 12 बजे हमने आपके होमवर्क लिंक्स जो है ना वो बंद कर देने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये कंसिडरेशन किया कि कल रात अगस्त 5 रात 12 बजे के बाद किसी वक्त भी होमवर्क लिंक्स बंद हो जाएंगे. इसलिए बेहतर ये है कि आप उससे पहले पहले, और मैं ये देख रहा था कि अभी कुछ लोगों के होमवर्क्स रहते हैं, इसलिए ब्राय मेहरबानी चेक कर लें खोल खोल के. अभी सब लिंक खुले हैं, कितने होमवर्क आपके पास आए हैं, सब के सब लिंक खुले हैं. 10 होमवर्क हैं, सबके लिंक्स खुले हैं. आप एक एक दफा क्लिक करके, आपको इकट्ठी लिस्ट भेज दी गई है आपकी आसानी के लिए. आपको मिली है या नहीं? मिली है. तो उसमें वीडियोज के लिए तो एक ही लिंक है, वो क्लिक करें और सारी वीडियो उस चैनल में है. तो ये हमें आयत साहिबा ने, हमारी बेटी साहिबा, उन्होंने काम आसान करवाया कि ये लिंक भेजा करें, आप कितने की भेजते हैं. एनीवेज, अगर आपके होमवर्क लिंक्स हैं तो वो भी आप कर लें. वर्कबुक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 20 या उससे ज्यादा तो मुझे रिसीव हो चुकी हैं वर्कबुक्स, और उसमें बड़ी जो खुशी की बात है, जो वर्कबुक्स हमें रिसीव हुई हैं उनमें से बेहतरीन काम हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. हर काम को देखकर दिल खुश होता है, हर एक ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है. मैं ख़ास तौर पे हमारी किसी बहन का नाम या लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने इतना इम्प्रेसिव काम है उनका कि मुझे, मैंने अभी अभी बच्चों के साथ काफ़ी काम चल रहे होते हैं, तो अभी मैंने उनका नाम या नोट किया हुआ था कि हाँ, सिस्टर सारा इकबाल बैठी हुई है हमारे साथ. यहाँ सिस्टर सारा इकबाल हैं या, तो इनका मैं काम देख रहा था जी. इन्होंने बहुत मेहनत से सारा अपना काम किया हुआ है, गालिबन अभी नहीं है. तो बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, सारा के सारा वक्त खुद लिखकर और उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है. किसी की हैंड राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, किसी ने सबसे पहले सबमिट करवाया था, हर एक की अपनी क्वालिटी है. एनी वेज, ब्रदर आमिर हैं, उनका काम बड़ा अच्छा है, सभी के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं. ब्रदर मोहित ने गालिबन भेजा, इनसे मैं रिक्वेस्ट किया पूरा नाम भिजवा दें, अगर यहाँ बैठे हैं तो मुझे बता दें. सिस्टर तहरीन, सिस्टर शादिया हनी, सिस्टर मुबर्रा, हुमैरा, सिस्टर इकरा, सिस्टर उज़्मा, और सिस्टर सरवर, सिस्टर अनवर यासिन, ब्रदर अशरफ, और काफी अहबाब जिनके पहले भी आ चुके हैं. सर मैंने अपना नाम अनवर नसीन लिखवाया. जी जी, आपका तो बहुत जल्दी आ गया था जी. सिस्टर अनवर, एग्जैक्टली. तो ज्यादा तादाद के आ चुके हैं, आप भी कोशिश करें कल तक लाजमी, कल रात 12 बजे तक आपका फुल मार्क्स के साथ, यानी आपको आपका काम में ऊंच नीच भी होगी तो आपको मार्क्स फिर भी फुल अवार्ड किए जाएंगे. तो जरा इसको कर लीजिए. उसके बाद आपके पास 10 अगस्त तक चांस है, लेकिन उसमें आपके 10% मार्क्स कटेंगे, चाहे काम सारा ठीक हो तब भी. अच्छा, अब जो आप मुझे इनकी बात पता नहीं क्या मुझसे बात कर रही है. एनीवेज,
तो 11 अगस्त को इंशाल्लाह हमारा क्विज है, ठीक है जी। सो ये भी आप जहन में रखें। तो आज का डेट है हमारी, आज 4 है ना, ठीक है जी। तो 11 अगस्त को कमिंग वीक में फर्स्ट डे आपका, उस दिन आपका ये होगा, क्विज होगा, ठीक हो गया। ये मालूमात आप सब ने नोट कर ली। आगे बढ़ते हैं क्विज की मालूमात के हवाले से। तो पहले जो आपको क्विज ओरिएंटेशन में कुछ जो टेक्निकल इश्यूज होती हैं और चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। टोटल पॉइंट्स हैं जी क्विज के 80, कितने 80, 80 नंबरों का ये आपका क्विज है। टोटल क्वेश्चन के करीब होंगे 38, अभी फाइनल है और हमारे जो तो अच्छा टोटल टाइम जो है वही 1 hour and 30 minutes यानी 90 minutes आपको दिए जाएंगे। उसके अंदर आपने कोशिश करनी है इसको करें। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम क्लास के हिसाब से आपको पता होता है हमारा हमेशा 8 बजे शुरू होगा जो हमारी क्लास का टाइम होता था और 9:30 बजे इसको बंद कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें इस दरमियान में इसको मुकम्मल कर लें। डेट आपको अभी बताई गई है 11 अगस्त। अपना फुल नेम पूरा नाम आपने लिखना है और व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डालना है उसमें और नाम वही डालना है जो आप इससे पहले होमवर्क्स में लिखते रहे हैं। प्लीज़ आप चेंज करते हैं या वर्कबुक किसी और नाम से भिजवाते हैं तो फिर रिजल्ट्स में फाइनल रिजल्ट में इश्यूज बनते हैं। क्विज वाले दिन अपने फ़ोन को पूरा चार्ज करें, अपनी डिवाइसेस रेडी रखें, उसमें स्पेस लाजमी चेक कर लें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस दिन के लिए ख़ास तौर पर ज़रूर बेहतर रखें। 2 ऑप्शन रख लें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको कोई सवाल करते हुए देखें, आप जो खास तौर पर सेल फोन पर कर रहे हैं, जो तो लैपटॉप पे कर रहे होंगे, टैब पर कर रहे होंगे, डेस्कटॉप पे कर रहे होंगे, इन्हें मसले नहीं है। जो मोबाइल पर कर रहे होंगे कुछ सवाल आपको लैंडस्केप फॉर्म में करके करने पड़ेंगे क्योंकि उनके ऑप्शन आगे होंगे या उन्हें स्क्रोल करना पड़ेगा, हाथ से उन्हें साइड पर स्क्रोल करके आगे ऑप्शन आप उसके देख लीजिएगा। इसी तरह मोबाइल पर आपको एक और फैसिलिटी जूम इन जूम आउट की होती है, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं क्विज के इसको और ख़ास तौर पे जिनको देखने में मसला हो ज़बर जेर पेश को देखकर जूम इन करके फिर उसको कीजिए। जैसे ही आप क्विज को सबमिट करें, सबमिट करते ही अपना व्यू स्कोर ज़रूर करें, अपना स्कोर देख लें। जब आप अपना स्कोर देखें तो उसकी स्क्रीन शॉट भी सेव कर लें, ठीक है। बाज़ूकात ऐसा होता है कुछ लोग नाम लिखते हैं वो सही सबमिट नहीं होता, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और इश्यू से नाम नहीं आता, स्कोर आ जाता है, कोई और इश्यूज होते हैं, तो आपकी स्क्रीन शॉट भी एक एविडेंस होगी। अगर आपके रिजल्ट में कोई मसला बनता है नंबर्स का तो हम वहां से आपके नंबर लगा देंगे। क्विज आपको पता है आप सारे होमवर्क बुक को देख कर सकते हैं, वीडियो सुनकर कर सकते हैं, PDF देख कर सकते हैं, लेकिन क्विज की दफ़ा किताबें बंद। नो वीडियो नो हेल्प, आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट है, लिहाजा ये क्लोज बुक से आप करेंगे। अब कुछ बातें एकेडमिक एस्पेक्ट के हवाले से, क्विज के क्विज में जो सवाल आएंगे उस हवाले से। आपका सिलेबस पूरा है, पूरी किताब जो लेसन नंबर 1A से लेकर 5D तक तमाम। अब जो सवालात की उसमें नेचर होगी, सबसे पहले आपको पॉइंटर्स के लिए जो टेक्स्ट हम कुरान का पढ़ते थे हर सफ़े के 4 हिस्से, उसमें से वो आएगी अरबिक टेक्स्ट और आपसे पहली बात पूछी जाएगी कि इसके लिए कौन सा इशारा है। आप आराम से तसल्ली से उसको देखें, उसको पढ़ें, इशारे का लफ्ज़ अमूमन उसमें मौजूद है, वहाँ से देख लें कि नीचे 4 ऑप्शन हैं, जो इशारा है वो उस पर लिख दें। फिर उस हवाले से आपको कॉन्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। कुछ तो अरबी में ही आपसे मालूमात ली जाएंगी कि इसमें क्या बात हो रही है, फलां चीज़ का जिक्र है, वो कैसे है, तो वो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हो खास तौर पे, तो ब्रेक वर्ड्स केयरफुली, ट्रांसलेशन करके सवालात के तसल्ली से जवाब दें। 90 मिनट बहुत वक्त होता है। एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू दिस क्विज इन 60 मिनट्स मैक्स। आप आराम से भी करें तो आप 90 मिनट्स में इंशाल्लाह कर लेंगे। कोई बहुत एक्सट्रीम आपको टेक्निकल या ऐसे इश्यूज हो जाए तो
फिर हम देखेंगे कि आपको अगर जरूरत पड़े तो टाइम एक्सटेंड करें। टेबल्स के जितने क्वेश्चन हों खासतौर पर डिफरेंट नेचर के होंगे उन पर मैं भी बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जहाँ आइडेंटिफाई रूट लेटर्स, लेट से वहां पे एक आ गया कुन, लिखा हुआ कुन, तो कुन के लिए आप सबसे पहले तो आपको टेबल आइडेंटिफाई करना है ये किसका है, तो ये कौन सा टेबल है, कौन सा फेल है, ये कुन अम्र का सीगा है ना, तो आप जरा बताएं कौन से उससे है जी, बोले माइक ऑन कर लें, कोई बात नहीं अभी चूंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं रेज हैंड से। ख्याल से चीज देख कर फिर टेबल के मुवादात को जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। इसी तरह अफाल की चाबियां, ये 3+3 मैंने लिखा हुआ है, क्या होती है ये 3+3, क्या माना है ये हाँ, ये जो छह चाबियां हैं उसमें तीन अफाल हैं, तीन अस्मा हैं, तो यही वाला अगर हम बात करें, अभी हम कौन सा कह रहे थे काना यकूनु कुन, ये बताइए कौन सी चाबी है काना यकूनु कुन अफाल, और अस्मा क्या बनेंगे इससे बताएं, काइनुन मकीनुन और काइन, काइन वैसे तो हमने कहा था डैश डैश कौन, अच्छा तो हो गया जी, अच्छा रेकग्नाइज अफाल स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये सवाल में भी जो है ना ये होमवर्क में भी कुछ लोग मुझे भेजते रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल था कि अब आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाई गई है कि आपके लिए आसानी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बाज अहबाब बड़े सिंपल जो हैं, आप में से कोई मुझे बताए ये ताबा जो है ताबा, अब मसला ये वहां पे ताबा डायरेक्ट में लिखा होगा, हो सकता है कभी लिखा हो तूबू या लिखा हो ताइब, तो अब या लिखा हो तौबा, तो उससे आपने बताना है कि ये यानी सेहतमंद है, कमजोर है, हमजा वाला है, तकरार वाला है, तो कौन सा है पहले बताएं आप, ताबा कमजोर कमजोर फेल है ताबा, कैसे पता चला आपको, अलिफ के बीच में अलिफ है, असल में देखें कोई भी लिखा हो तो आप पहले जाकर ढूंढेंगे कि ये फेल कौन सा है, तो हमने जब देखा तो हमें पता लगा तौबा तो है लेकिन ये ताबा से है ताबा, और ताबा जो था उसके अंदर अलिफ जो था अलिफ वाओ या, ये कमजोर अफाल कमजोर हरूफ हैं और अफाल को कमजोर कर देते हैं, तो आपने ढूंढ लिया सेहतमंद अफाल के लिए, हमने आपको बताया हुआ है कि आप यानी जिनमें अलिफ वाओ या नहीं पाया जाएगा या वो हमजा वाले भी नहीं है और वो तकरार वाले भी नहीं है तो वो सेहतमंद है ना, तो इसमें तो कोई ऐसी सोचने वाली, लेकिन माजी का सीगा जाकर जरूर देखना है, अगर आप कहें जी युस्कुनु जो है या साकिन में अलिफ आ गया है जिसकुन में या आ गया है, तो ऐसे नहीं, साकना अगर आप साकना पर पहुंच गए तो वहां सीन काफ नून है तो सेहतमंद हो गया, ये कौन सा है सेहतमंद है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिफाइंग स्टाइल, फिर इसमें ये सवाल भी हैं जिसमें आपको सेहतमंद में से ही कोई सा स्टाइल बताना है, तो आपको पता है हमने आपको बता दिया है इसके दो ही तरीके हैं जानने के, एक आपको पता हो मेमोरी से कि काफारा वहां लिखा हुआ, अगर यहाँ लिखा हुआ आता है उकफुर, तो अब आप बताएं कि ये नासारा दाराबा माशाल्लाह, वो आइडेंटिफाइंग ग्रामर के एक्शन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमने अलग से पढ़े हैं डिफरेंट तरह के, आराम से इसको कीजिएगा तसल्ली से। मजहूल आपको पता है आपने पढ़ा है, वही खुली का वो लिमिटेड आपको बताएं होनी कुछ जाएंगे, तो माशाल्लाह मैं देख रहा था वर्क बुक में लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं सारे, तो मजहूल आइडेंटिफाई करना कौन सा है, बाद अरबी लिखी होगी कि तुम ऐसा मत करो तुम, तो वो उसकी आपने अरबिक एक्सप्रेशन अफाल से आपको पता है या आप उसका तर्जुमा अरबिक में करेंगे उर्दू से,
अरबिक टू अरबिक तो आपने बहुत महादसतुल अरबिया में प्रैक्टिस की हुई है, वो आप कर सकते हैं अरबी से अरबी में जवाब देना। और ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट तो अब आप क्यूसी वन में प्रैक्टिस किए, क्यूसी टू में, वही क्राइटेरिया इसम फेल हर्फ में से है, नहीं तो वाहिद जमा है, नहीं तो मुजक्कर मुअन्नस है। इसको ये आखिर में दिए हुए हैं, तीन है, इसको और कम करती है आपकी आसानी के लिए, सोच समझ कर तसल्ली से कीजिएगा। जाते जाते ये कहता चलूं कि अगर कोई सवाल नहीं आ रहा उस पर वक्त जाया करने की बजाय आगे चलते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, एंड तक चले जाएं, जितने पहले कर सकें कर लें, फिर दोबारा दूसरी दफा आए और फिर उसको सबमिशन से बचने के लिए आप उसके ऊपर अपना नाम ना लिखें, वो ना डालें, वो आखिर में डाल दें ताकि वो सबमिट ना हो जाए। तो ऑड वन आउट और यही तकरीबन चीजें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस क्विज में और कुरान सीखने के इस अमल में और सारी जिंदगी में आपका रहनुमा, आपका मामन और मददगार हो। हमारी तरफ से आपको गुड लक। और अब आप सवालात पूछ सकते हैं। मैं एक फिर बता दूं, वर्कबुक सबमिशन जो है कल आपकी लास्ट डेट है और मेरी इंतहाई ज़्यादा ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश दिल से, और मैं बायस नहीं होना चाहता, आप सबसे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह ने ये ताल्लुक कायम किया है, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप लोगों में से कम अज़ कम 10 लोग टीचर के लिए इसके बाद ये क्विज कर लेने के बाद, कोर्स कर लेने के बाद मेरे पास अप्लाई करें, हमारे साथ हमारा हिस्सा बन जाए पढ़ाने के अमल में। नीयत और इरादा करके इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उसको ठीक है जी। और हमारी बहन ने आपको फायदा देने के लिए साथ साथ चीजें जो है उसमें लिखी हैं, चैट बॉक्स में देखिए टाइम और सब कुछ जहाँ आपने जो पूछा है। अब आपके सवाल आज जी मिसेस खालिद फरमाइए। सर मैंने पूछना था कि मैंने अपना मोबाइल नंबर क्या कहा था कि वो मेरा शुरू में सारा गलत हो गया, तो ये हमने नोट कर लिया जी। अब वो सही लिखना पड़ेगा ना, सही लिखना। सॉरी एक मिनट, मैं वो आपने चेंज कर दिया नंबर जी, हमने अपने रिकॉर्ड में उसको लिख लिया है। फिर भी अगर रिजल्ट में कोई इशू बने तो आपको पता है पहले ड्राफ्ट रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, आप ठीक करवा लीजिएगा कोई मसला हो। ठीक सिस्टर खालदा रूही फरमाइए। सर मैंने ये कहना था, एक तो आपको पता ही है कि मैं सिर्फ सुनती होती हूँ, वैसे मिड क्विज दे दिया था और वर्कबुक और ये क्योंकि टेस्ट दो दफा दे चुकी हूँ मैं, ये इसलिए क्यूसी थ्री करते हुए मुझे फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन ये मैं जब वो करते हुए दरमियान में अभी मिड क्विज आपका कर दिया था, ये चौड़े रुख पे करती हूँ ना कुछ क्यूसी थ्री का या आपका, तो ये चौड़े रुख पे आता नहीं है और उस तरह आपको पता है दिक्कत होती है लंबे रुख पे रख के उसको देखने में, कर तो लेती हूँ जैसे तैसे। एक मिनट, तो ये आप कह रहे थे ना इस रुख में रख ले, मैं बताता हूँ आपको उसकी वजह। ये आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ऊपर से ये देखे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा हर बात पूछा करे प्लीज, देखे अब ये इन्होंने पूछा है तो उम्मीद है कि हम सबको उससे फायदा हो जाएगा। ये पूछ रही है कि जब मैं उसको करती हूँ तो वो होता नहीं है, ठीक है। तो असल में पता नहीं मोबाइल गुस्सा कर गया अब। अच्छा नहीं बेटे, बेटे आयत, बेटे मुझे जरा मोबाइल दिखाएं दूसरा, ये मोबाइल ये खुल नहीं रहा है, इसमें पता नहीं क्या हुआ। अच्छा वो ये है कि आप ऊपर से अपने मोबाइल के ऊपर से जब स्क्रॉल डाउन करती हैं तो नीचे जो बहुत से ऑप्शन आते हैं, जैसे टॉर्च का ऑप्शन भी होता है और ऑप्शंस भी होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन जो होता है ना वो होता है, ये देखें वेयर इज दैट लैंडस्केप एंड दैट ऑप्शन, हाँ पोर्ट्रेट, ये देखें, पता नहीं अब आपको कैमरा दिखा पाएगा कि नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ये पोर्ट्रेट, ये अगर आप ये क्लिक कर देंगी तो ये ऑटोमेटिकली जब यूं करेंगी तो स्क्रीन
क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑटो रोटेट या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लिखा होगा, डिपेंडिंग आपका मोबाइल कौन से इस कंपनी का ना। जब वो आप कर देंगी तो फिर ये क्या करता है, इस स्क्रीन को जिस रुख आप चाहते हैं ना, आप अगर यूं कर देंगी, ये देखें इसने मेरी स्क्रीन को यूं कर दिया। अब यूं मैं यूं करूंगा, नजर आ रहा है आपको? ये देखें अभी ये कर देगा। हाँ जी आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ बस ये ऑप्शन इसमें आप उस वक्त करवा लिया करें किसी से, ये खुद ब खुद जिस रुख आप चाहेंगी उस रुख स्क्रीन आपको करके आपके लिए, बल्कि यूं चौड़े रुख आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, बड़ा हो जाता है टेक्स्ट भी बड़ा हो जाता है, पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी बहन शगुफ्ता जी, सिस्टर फरमाइए। जी सर, सर मुझे पूछना है कि जो हम वर्कबुक सेंड करेंगे तो ये ग्रुप पे ही सेंड करना है या अलग कोई नंबर है आपका उस पे सेंड करना है? नहीं नहीं सिस्टर, जो मेरा नंबर है जिस पर आप रजिस्टर्ड थी उस पर सेंड करेंगे, जिस नंबर से आपको सारी पोस्टें आती हैं ग्रुप में। जी अच्छा, देखना पड़ेगा ये, अगर दोबारा सेंड कर दें ये नंबर अपना, हो सकता है ये आ गया नीचे चैट में, देखें आ गया आपको नंबर चैट में। ठीक है सही, ठीक है नोट कर लीजिए वहां से। सिस्टर साइमा मरियम फरमाइए। सर जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, जब हम वो कमजोर अफाल और सेहतमंद अफाल का करते हैं उसमें हमजा वाले अफाल भी आ जाते हैं, तो वो हम सेहतमंद के साथ हमजा वाले अफाल को डबल दो करते हैं, तो हमजा वाले अफाल जो है वो सेहतमंद ही खाली होते हैं? ये क्वेश्चन अभी तक मेरे जहन में रह गया था। जी जाहिर है, हमजा वाले अफाल है वो जरूरी है कि सेहतमंद ही होंगे, हम उसको कहेंगे कि ये सेहतमंद की ही एक है निशानी कि हमजा वाले भी आते हैं, कि तकरार वाली अलग है और ग्रुप ही अलग है, हमजा वाला ग्रुप ही अलग है। अच्छा देखिए सिस्टर, एक बात याद रखें कि ये सारे ही अफाल के लिए हम बेस तो सेहतमंद को ही बनाते हैं ना, ठीक है, लेकिन हमने आगे जाकर कहा जब इनकी कैटेगरी अलग कर दी हमने, तो फिर कमजोर अफाल तो बिल्कुल अलग हो गए। कमजोर एक ही वक्त में सेहतमंद और कमजोर दोनों नहीं हो सकता, ठीक है, वो अलग हो गए। अब तकरार वाले भी जाहिर सी बात है कि वो जन्ना या जुन्नू हम क्या कहते हैं कि ये किस 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 उसके ऊपर है, बदन पर है, फेल के बताइए। जन्ना या जुन्नू है तो सेहतमंद नासरा के वजन पर, और इसके अगर अल्फाज देखें, हाँ और अल्फाज देखें जन्ना, तो क्या क्या है इसके अल्फाज? तकरार वाले नहीं, ये क्या तकरार वाले हैं? डबल डबल नून डबल हरूफ, डबल हरूफ वाले। हाँ जरा एक मिनट माइक बंद रखें, किसी के माइक में बड़ा शोर है। अच्छा आप ये देखें, किसी का माइक है जिसमें बहुत शोर है। एनीवेज अब ये देखें सिस्टर, ये तीन इसके हरूफ हैं, ये मुझे बताएं इसमें कोई कमजोर हर्फ है? नहीं है, तो फिर ये कौन सा हुआ? ये सेहतमंद अफाल में से है, लेकिन इसका पैटर्न चूंकि मुख्तलिफ है इसीलिए हमने इसका नाम अलग से रखा। यही केस है आपके हमजा वाले अफाल का, ठीक है। चलें नेक्स्ट कौन है? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी थोड़ा सा मेरा काम रह गया, वो काम भी साथ साथ कर रही हूँ इसी का, वर्कबुक का, और सुन भी रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो गई हूँ। ये जो सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल जो आपने लिखा होता है, जैसे कि कभी इसमें इसमें मफूल होता है, कभी फाइल होता है, तो क्या उसी जो एज इट इज वर्ड है उसमें ही पहचानना है, या फिर उसका जो मादा है उससे पहचानना है, उसी से पहचानना है ना मादे से? ये अभी जब मैं ओरिएंटेशन में यही बात मैंने क्लैरिफाई किया है कि उसके मादे की तरफ लौटें और फिर पहचाने, तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब ये मैं मादे की तरफ ही जाती हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है, सुनिए ये हो सकता है आप में से कुछ लोग वो इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं, या तो उन्हें जुबानी याद हो गए हैं, या वो देख कर ही कह देते हैं कि हाँ ये वो वाला है, लेकिन आइडियली इससे बचने के लिए कि आपकी गलती हो, आप लौटिए वापस माजी के सीगे की तरफ और वहां से भी उसके रूट वर्ड्स की तरफ, तो फिर आप उसका जवाब ठीक देंगे। ठीक है सर जी।
जी सिस्टर शगुफ्ता आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका माइक तो ऑन है शायद। नहीं नो सर, नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनीवन एल्स फॉर एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने पूछना। जी सिस्टर पूछिए। सर अल्लाह ने अता किया हमको, इसका क्या अरबी में तर्जमा करें? ये हमने शुरू में भी आपको कहा था कि इसमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखें कि ये कौन से टेबल से वाला अता किया का क्या है अरबी बताएं? वाहबास। वाहबास है, बिल्कुल ठीक है। वाहबा, वाहबा का जरा टेबल पढ़े मेरे सामने माजी के सीगे। वाहबु वहबता वहबतु वहबतुम वहबना। वहबना का माना बताएं मुझे। हमें अता किया। हमने नहीं अता किया, हमने अता किया। हाँ हमने अता किया वहबना। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये नहीं यहाँ आ सकता वहबना, ठीक है। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो यही कर सकते हैं। अब ये तो खत्म हो गई, समझ गई है ये वाली बात आप? जी सर जी। अब हमने करना था अल्लाह ने अता किया हम सबको, ठीक है। तो अता किया का आ गया वहाबा, यानी उसने अता किया, ठीक है। अब इसके साथ आपको पता है हम अल्लाह को कहा कैसे लगाएंगे, तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट और ये बन जाएगा अल्लाह ने अता किया। बताएं क्या जहन में आता है आपके? हम अगर सिंपल भी कहें ना वहबल्लाह, ठीक है वहबल्लाह। अभी नहीं वहबा ना कहां से लगा दिया, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने अता किया, अभी सिर्फ इतनी बात करनी हो तो वहबल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह सब्जेक्ट बन गया, हमें बेस से पता चल रहा है। तो अब उसने की जगह आ गया अल्लाह, वहबल्लाह अल्लाह ने अता किया। अल्लाह ने किसको अता किया? हम सबको, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह बना ले, अल्लाह ने अता किया लना हम सबको और हम सबके लिए, ठीक है। वहबल्लाह लना, ये है बिल्कुल प्राइमरी लेवल का आसान तरीन तरीका। अगर आप थोड़ा सा इसको जरा बेहतर करना चाह रही हैं तो आप कर लें वहबा नल्लाह, यानी वहबा अता किया उसने वहबा ना हमें। अब ये देखें ये वहबना नहीं है, वहबना नहीं है, वहबा ना, यूं वहबा आगे अल्लाह, वहबनल्लाहु लना। ये जरा अच्छे लेवल का एक्सप्रेशन बन जाएगा कि उस अल्लाह ने अता किया हम सबको, ठीक है जी। वहबनल्लाहु भी ठीक है, अल्लाह ने अता किया हमें हमारे लिए, यानी वहबल्लाहु लना भी ठीक है, वहबनल्लाहु भी ठीक है। थोड़ा जुबान के उस पर जाएं तो वहबनल्लाहु लना, वैसे ये थोड़ा इजाफी हो जाएगा लेकिन वहबनल्लाहु वहबनल्लाहु, ठीक है। वहबनल्लाहु कहेंगे तो माना बदल जाएगा, हमने अता किया तो वो वैसे भी गलत हो जाएगा, अल्लाह भी सब्जेक्ट हम भी, वहबनल्लाहु, ठीक हो गया जी। सिस्टर साइमा हबीब फरमाइए। सर मुझे एक पीसी कंफ्यूजन हो रही थी, हमने एक वर्ड पढ़ा था या नहुम और उससे हमने निकाला था आमी आमी हा, तो फिर आगे सर हमने पढ़ा था सुमुन बुकमुन उमियुन, तो अब ये उमियुन तो डिफरेंट वर्ड है, आमी हा और है और आमी या और है, ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे, ऐसे। तो सर हमने आमी हा का टेबल नहीं पढ़ा जो उमियुन है ना, देखें ये अलग है, ठीक है, टेबल में से, तो वो हमने नहीं पढ़ा। हमने आपको भी वो टेबल पढ़ाए हैं जो क्या है बताएं, कौन से पढ़ाए हमने? हमने आपको सुलासी तीन जिसमें हरूफ से मिलकर बनते हैं, तो जो जायद वाले थे ना मजीद फी वाले, वो अगले कोर्स से इंशाल्लाह आप आगे चल के पढ़िए। जी ठीक जी। अच्छा सर एक छोटी सी बात और देर में आ रही थी कि हमने सूरह नसर में पढ़ा था इरा जा अनसुल्लाहि, और उसमें हमने देखा था कि इरा के बाद अगर फेल माजी भी आ जाता है लेकिन वो फेल मुदारे का सेंस देता है कि जब आती है या आएगी अल्लाह की नुसरत, तो ये रूल इज के साथ तो नहीं लगता ना?
इज काला अगर होगा तो इसका मतलब तो पास ही होगा ना, कि जब अल्लाह ने कहा इज काला और जब कहा। जी बिल्कुल ऐसे इजा के लिए बताया। जी ठीक, शुक्रिया सर जी। ठीक हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट शोज योर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, माशाल्लाह इंटरेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अल-बरस वल-जुनूनि वल-जामी व मिन सय्यिल असकाम। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मुझे सारे अहबाब को एक दूसरे के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, क्योंकि ये कुरान सीखने का अमल है। मुसाबकत जरूर रखिए, लेकिन हम हसद नहीं करेंगे, हम मुसाबकत रखेंगे, वो अभी अल्लाह के हुक्म की वजह से। क्या अय्युकुम अहसनु अमला। तो सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।